दोस्तों, आज हम दो कहानियां आपको बताएंगे। ये दोनों कहानियां आपको बुरे समय में हिम्मत देंगी। तो पहली कहानी, ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों को गर्मी लग रही थी, गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वो सभी चलते चलते बहुत ही थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहां से कितनी दूर है, हम थक गए हैं। तो वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहां से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहां से वो गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आनंद को ये समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में ये सवाल अभी था ही कि वो लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी गांव आया नहीं। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2000 किलोमीटर। ये सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देख थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में वही सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वो लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे बढ़ने के बाद गांव नहीं आता है। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए। और एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर ये सब देखा, लेकिन वो उस समय कुछ ना कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद की सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है, कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दे दें। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना। आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है, और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं और वो भी आपको देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे।
तभी गांव ना आ रहा हो और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहां के लोग भी ये बात जानते हैं और इसलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच सकें। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव की ओर निकल पड़ते और कुछ समय बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क ये है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ना है और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बना कर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी। और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग से मिली कठिनाई को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, ये सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है। दोस्तों, दूसरी कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे या फिर जिसका वो जो सामर्थ्य होता था वो अपने हिसाब से उन्हें भिक्षा देते थे, और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वो बुद्ध को रोक के उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी एक व्यक्ति वहां पे आया और बुद्ध को भिक्षा देकर कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से चल रहा है, मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, न जीवन जी पाते हैं, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं, हमें ये जीवन व्यर्थ लगने लगता है, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया, आम बेच रहा था। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा कि
तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वो उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। ये सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा, कहा, ये तो बेहद शानदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा, तो मुझे ये पत्थर दे दो। व्यक्ति ये सुन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर कहता है, ये इतना प्यारा पत्थर है, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था, उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर के अलग अलग मूल्य को जानकर हैरानी हो रही थी कि भले एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सुनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे ये पत्थर 20 लाख में बेच दो। वो व्यक्ति ये सुनकर हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत, पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने कहा, भाई 50 लाख में बेच दो। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था उसे बेचने के लिए, लेकिन उसे बुद्ध की बातें याद थी, इसलिए उसने वहां वो जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा कि तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दे, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है, और ये कहकर वो आगे चला जाता है। आखिर में वो व्यक्ति एक जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी उस पत्थर को देख उसे रूबी के रूप में पहचान लेता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहां से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात, क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते? ये सुनकर वो व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में बैठ जाता है, पूरी कहानी बुद्ध को बताता है और अंत में कहता है, महात्मा कृपया करके अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है वो बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि वो फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई, अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम गए उस जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं, तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो, किसी भी चीज़ के पीछे बेकार में भागना बिल्कुल व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था। उसमें अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वो बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया, उन्हें धन्यवाद कहकर। वो बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। अब वो अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना, जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से
खुश और संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं, बारह आम लायक कामयाब या बेशकीमती हीरा। ये निर्णय केवल आपका है, आप खुद लें। दोस्तों, क्या समझा आपने दोनों कहानियों से? कमेंट में नीचे लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।